तो मेरे साथ अभी देखिए कि गन्ने से लदा हुआ ये ट्रैक्टर है और ये वो किसान हैं हमारे देश के, वो किसान जो मिट्टी से सोना उगा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तकलीफों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पेमेंट नहीं हो रहा, पिछले साल का बकाया है, इस साल का अब तक दो महीने बैठे नहीं मिला, खुश कहाँ था। गन्ने के दाम तो इतने हैं जी, अब खाद की दवाई की पूर्ति नहीं हो रही, बिल नहीं पाट पा रहे किसान उसमें से। अब देख लो जी कितनी अच्छी व्यवस्था है किसानों की, या तो आपको नजर ही आ रही जी सबको। परेशानी इतनी है जी, अब हम बिल्कुल ज्यादा दुखी हैं, हम इस सरकार को आगे लाना नहीं चाहते बिल्कुल भी। आप कैसे याद करते हैं चौधरी चरण सिंह? दिल तक हो रहे जी याद है। किसान की आंखों में देखिए चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, उनकी आंख में आंसू आ गया, कह रहे हैं कि मसीहा है हमारे दौर की सरकार, या सरकार भाजपा सरकार आम जनता की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है, ये चाहती नहीं है, ये तो भूखे चाहती है, पब्लिक भूखी मरे। एक पत्रकार का काम ये होता है कि वो हाशिए के जो समुदाय हैं उनका हम सफर बन के उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करे। मैंने भी यहाँ ये किसान हैं इनके साथ ट्रैक्टर पर बैठ कर ये कोशिश की देखने की कम से कम कि जो ज़िंदगी है वो कितनी मुश्किल है, और ख़ासकर जो पार्टियां हैं, जो यहाँ पे बार बार आरोप लग रहा है कि कारोबारियों की पार्टियां, पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उन्हीं का हित देखती है। चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ युवा है, पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। यहाँ पर मलकपुर मिल पर हम मौजूद हैं बागपत ज़िले में, और कोशिश ये कर रहे हैं हम कि आपको ये भी सुनाएं कि जो राजनीतिक जो विचार हैं किसानों के वो क्या हैं, लेकिन जो उनकी असली समस्याएं हैं वो क्या हैं ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। देवी दत्त और शेखर तिवारी दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव के का दौरा कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ज़मीनी हालात यहाँ पर क्या हैं, इसलिए हम खुद यहाँ पर असली किसानों से मिलने आ गए। और बहुत अच्छा लगा देख कर यहाँ पर कि हमने पूरी प्रक्रिया देखी कि गन्ना जब पैदा होने के बाद जब लद कर ट्रकों में यहाँ पहुँचता है मिल में, तो पूरी प्रक्रिया के तहत कैसे चीनी बनने तक का जो सफ़र है उसका वो कैसे जाता है। लेकिन यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं जिनको हमने देखा कि खुद यहाँ पर अपना गन्ना लाए हैं वो इस मिल में, और किस तरह से भुगतान समय पर जो भुगतान है लगातार वायर पर आप देखते रहते हैं, खासकर अजय आशीर्वाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आप तक लेकर आते हैं, और वो ये बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण ये मुद्दा है समय पर भुगतान ना होना। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में हो सकता है कि अगर 2017 का चुनाव में कवर कर रही होती तो जो गन्ना भुगतान है उसको इतनी अहमियत मिलती या नहीं मिलती मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसान आंदोलन की सबसे ख़ास बात ये रही कि जो किसानों के बुनियादी मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर उठे हैं, और इसीलिए आज यहाँ मिल पर हम मौजूद हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्या 3 कानून वापस होने के बाद क्या अब उनमें संतुष्टि है या उनके जो बुनियादी मुद्दे हैं अभी भी बाकी हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही कि वो आने वाली सरकार से क्या कुछ चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में किसानों के लिए क्या कुछ किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या किया। आपका क्या नाम है? ओमवीर। ओमवीर जी, ये बताइए कि जो 3 कृषि कानून वापस हो गए तो किसानों को अब तो खुश हो जाना चाहिए। पेमेंट नहीं हो रहा, पिछले साल का बकाया है, इस साल का अब तक 2 महीने फैक्ट्री अब नहीं मिला, खुश कहाँ था। और मुद्दे क्या है, वो जो MSP में कानून बना वो नहीं बना, कमेटी पे नहीं, कमेटी से गया, कमेटी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो थी पे लागू हो रही 2 साल पहले, कहाँ लागू कर दी, भगा रहे लोगों को, चूर्ण दे रहे, मतलब का खुश का मतलब क्या है, पूछ लेते कितने खुश है। पिछले साल का बकाया, इस साल का बकाया, अरानी को उम्मीद है ही नहीं, पिछले साल का इस पूरे सीजन में पूरा होगा मुश्किल से, और यूँ बकाया गए रही जाएगा तो खुश कहाँ से किसान। आपके तो कपड़े बता रहे हैं कि खेत में तो भाजे तोड़े, गेहूँ की बोने की समस्या, फैक्ट्री लेट चली, खेत में सुधा ही आप एक ट्रोली ले गए, खेत से आप सीधा ही यहीं आए, ट्रोली रोटी भी नहीं मिली, गेहूँ बोने की समस्या, बारिश बता रहे परसों को गेहूँ बोने के मेरे भज्जे फिरे, तो घुस किसान घुस कुछ नहीं, परेशान है। आपको क्यों बैठ के ऐलान करें, झूठ बोले 24 घंटे, इनका कोई काम नहीं है। तो ये बताइए कि भुगतान आपको कब हुआ था आखिरी बार? आखिरी बात एक डेट में ना होगा, जनवरी का आया, वैसा गया है नहीं, 2 दिन का पेमेंट आया सिर्फ, 2 दिन का पेमेंट भेजे कुल, 1.5 महीने के बाद।
पिछले साल जनवरी का पेमेंट आया और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून पांच महीने का बकाया पिछले साल का, इस साल का तो लेना देना ही नहीं। तो अगर आपका पैसा आता सही समय पे तो कितना पैसा आ गया होता? फीस है तो कई कई लाख रुपए का किसान के जी। अच्छा। बच्चों की फीस, ब्याह, शादी, अपने काम मकान सब काम रुके पड़े, सब कर्ज बन रहे, सबके क्रेडिट कार्ड बन रहे, बैंक वाले नहीं पता करता, सोसाइटी वालों को ब्याज दे, बैंक वालों को दे, बिजली वालों को दे, सब बिजली का बिल इतना हो गया और पटे ही नहीं। एक ट्वेल्व का 25-25 हज़ार साल भर का बिल है और उसमें पालन जी 25,000 रुपए ट्वेल्व का, एक ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल का जी, और उसमें पलंची है। इस सरकार ने जी काट दिया, 5,000 रुपए पहले साल भर में दे दे, 25,000 रुपए दे, कितना गुना बट गया। एक बिना ना भरो। आपको याद है कि आखिरी बार आपने कभी ये समस्या सुनी थी कि बिजली के बिल से किसानों को कितना समस्या हो सकती है कि बिजली महंगी कर दी गई है? घर का भी है जी, घर का भी ऐसा ही हो गया, घर में 200 रुपए महीना चले था, 2,000 रुपए के महीने का कहाँ तक पड़ेंगे? डाउन रुकू खड़ नहीं, जाग तू की फीस नहीं, मकान नहीं, शादी नहीं, ब्याह नहीं, कोई मकान कुछ नहीं, सब समस्या सब मामला डिसमिस, कोई व्यवस्था नहीं, सरकार झूठ बोल रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं? जो हमारे बराबर के राज्य भी है, यूपी के बराबर में लगते हैं, जैसे पंजाब हो या हरियाणा हो, उनके बिजली चार्ज हमारे से जब भी कम है, कम से कम उनके साथ रख लो हमें। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ के लोग इतने दुखी है, खासकर किसान के साथ मजदूर भी जुड़े हैं, किसान के साथ मजदूर जो एक एक करके मैं बात करती हूँ। अमित जी मुझे बताइए कि पांच समस्याएं गन्ना किसानों की क्या हैं? जी गन्ने की देखो जी, सबसे बड़ी समस्या तो यह है, पहले तो गन्ना टाइम पे पर्ची नहीं आती, ठीक, जब टाइम पे पर्ची नहीं आती फिर वो टाइम पे यहाँ आ नहीं पाता। समझाइए, पर्ची नहीं आती का क्या मतलब? मतलब पर्ची मिल नहीं भेज पाता टाइम पे, माल्या छोटे छोटे किसान हैं ज़्यादातर, माल्या मेरे पास 10 बीघा मुड्ढा है, ठीक है, और मेरे पास 10 बुढ़े में मुझे घेहूँ बोलने 10 बीघे, मेरे परिवार में 8 सदस्य है, 10 बीघे के बगल से माल्या पर्ची आई मेरी 20 दिन में, 15 दिन में एक बुग्गी की पर्ची आई 18 क्विंटल की, वो भी 9 क्विंटल कर दिया, अब दो आ गई जुड़कर 18 क्विंटल की पर्ची आ गई, तो उससे लाभ क्या होगा मेरे जी? मेरे घेहूँ नहीं बोलने के, पहले तो बात खपत नहीं हो रही, दूसरी बात फिर यहाँ आकर पेमेंट ये नहीं देते, सलसल पेमेंट देते, खेत में से नहीं कटेगा तो किसान गेहूँ कैसे बोएगा? जमीन खाली नहीं हो रही, जमीन उस गेहूँ का टाइम निकलता जा रहा, नवंबर अक्टूबर के महीने में गेहूं बोता है, उसके बाद में नहीं बोएगा, अब ये ओवर हो गया समय, किसान कहाँ से खाएगा, क्या क्या करेगा? ये पूरा साइकिल, एक पूरा जो चक्र होता है कि पहले बोया जाता है गन्ना, फिर वो काटेगा, फिर मिल में जाएगा, उसका ये अक्टूबर नवंबर में हमारा गन्ना अगर पहली फसल कट जाए तो हमारा गेहूँ बो जाएगा, अब तक नहीं कट रहा। अब वो पर्ची काट रहे हैं हमारी, जो आनी है हमें जो पर्ची लेगा हमें, जो जिससे हमें टोकन जारी हो, जिससे टोकन जारी करे किसान को, SBEC शुगर लिमिटेड, इसी मिल का है ये। हाँ जी जी, ये जो टोकन जारी करे वो उसका हमें एक चिट देते हैं ऐसे मोबाइल पर, अभी तो निकाल लिए हम, पहले तो घर जाती थी सबके, तो वो नहीं जा पाती किसान की, सब परेशान है जी, इतना परेशान है। दाम जो है आपके फसल के दाम, जो गन्ने के दाम है, गन्ने के दाम तो इतने हैं जी, खाद की दवाई की पूर्ति नहीं हो रही, बिल नहीं पाट पा रहे किसान उसमें से, अब देख लो जी कितनी अच्छी व्यवस्था है किसानों की, या तो आपको नजर ही आ रही जी, सबको बच्चों की फीस रुकी पड़ी, कोई घर में बीमार हो उसको पैसा नहीं देने के लिए, ये इतनी बुरी हालत किसान की कर दी इन लोगों ने जिसका कोई हिसाब नहीं है, खराब हालत है। आप जी मैम, एक और मैं जो आपको बताना चाह रहा, इन्होंने एक ये करा के गौवंश बताओ, गौवंश तो इन्होंने बता दिया, लेकिन उसको किसी जगह रखने की कोई व्यवस्था नहीं करी, यानी गौवंश बचाओ लेकिन जो जानवर हैं वो सड़क पे मैम, उन्होंने पूरे खेत खा दिए मैम, उन्होंने पूरे खेत खा दिए, सब कुछ खा दिया, कुछ छोड़ दिया ही नहीं खेत में, ऐसे परेशान कर दिए किसान। तो ये जो गौवंश इन्होंने छोड़े आ जी, किसानों की पूरी फसल इन्होंने नष्ट कर दी, सब सरसों खा दी, जो छोटे छोटे गेहूँ थे वे खा दिए, जो गन्ने में फूट होती है वो भी खा दी जी इन्होंने सब। हाँ जी, इतना नुकसान ये कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, गवर्नमेंट के पास इनका कोई इलाज नहीं है और किसान तो परेशान है ही। तो कह रहे हैं धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा तो कर रहे जी, पर हमारी भी तो रक्षा करो, हम भी तो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम क्या धर्म से अलग हैं?
तो मुझे ये बताइए कि आप बताइए कि गन्ने के भुगतान को लेके समस्या, तो हमें पता है कि पेमेंट देर से आ रहा है, लेकिन इसके अलावा डीजल के दाम बढ़ गए हैं, फिर इसके अलावा बिजली के दाम बढ़ गए हैं, उससे आपको क्या परेशानी होती है? परेशानी इतनी है जी, अब हम बिल्कुल ज़्यादा दुखी हैं, हम इस सरकार को आगे लाना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हाँ, 240 करोड़ रुपये पहले साल के बकाए हैं, कम से कम 150 करोड़ बिकाओ लिया बका मिल पे, कहाँ तक जाग तू की पूर्ति करें? बताओ, एक बात बताओ, जो एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह एक महीना ना मिले तो उसका कहाँ तक पूर्ति करें वो? उसकी तो देनी पड़े टाइम पे, हमारी बताओ जो 12 महीने में भी नहीं मिल रही, कहाँ से पूर्ति करेंगे हम? तो पिछले साल का भी आपका बकाया है 240 करोड़ बका है। बिजली पे जहाँ से 5,000 रुपये दिए गए थे, वहाँ 30,000 रुपये देने पड़े, फिर उसके ऊपर पालंटी लगा हुआ। ये बताइए, किसानों की बात सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रही है? अब तो चुनाव भी इतना नज़दीक है। एक बात बताओ जी, धरने प्रदर्शन तो करें, कोई सुना ही निकलता? कर्मचारी भी सब खरीदे हुए हैं, उन्हीं के गुणगांव में। ये पार्टी किसानों की नहीं है, ये पार्टी व्यापारियों की है। अडानी अंबानी ने चाह, इन्हें किसान कहाँ चाह, इन्हें मजदूर कहाँ चाह? किसान मजदूर को तो जी भला हो सके, अगर जयंत चौधरी आवे तो किसानों को आओ भला। चौधरी आज हमारे देश में दोबारा चरण सिंह के जन्म की जरूरत है, और वो जन्म के रूप में हमें दिखाई दे रहा सिर्फ एक चेहरा, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी आओगा तो भला हो सका, किसान मजदूरों का ना तो कोई भला होने वाला निका है नहीं। नहीं तो क्या वो किसानों के मुद्दों को अच्छे तरीके से समझते हैं? वो किसानों का दर्द समझते हैं जी, वो छोटी छोटी दुख सुख में किसानों की हर जगह तैयार खड़े, लेकिन वो ऐसे है नहीं सलाह कुछ कर सके। लेकिन पिछली बार ऐसा क्या हुआ, फिर आपने तो एक ही सीट दी पूरे पश्चिमी उत्तर, पूरे उत्तर प्रदेश से एक सीट मिली? ये तो धांधलेबाजी हुई थी पहली बार। तो आप ये बताइए कि अगर 5 चीज़ें मान लेते हैं कि ये बदल दी जाएंगी, अब देखिए किसान आंदोलन हुआ, अब किसान जो कृषि कानून थे वो भी वापस हो गए, अब आपकी कम से कम बड़ी मांग तो मान ली गई, लेकिन MSP अभी तक बाकी है। तो MSP होनी चाहिए जी, ये तो किसान को फायदा होगा। हमारे बड़े का आग्रह, झूठ मत बोलो, लेकिन उन्होंने झूठ इतना बोलना सिखा दिया, बस जो भी बात है सारी झूठ भी उतरी, सब झूठ, झूठ के अलावा और कुछ नहीं। ये बताओ क्या करें, कैसे? सारी बात झूठ है, एक भी सच नहीं। वादे करें झूठे, खमा कहाँ, बेकार। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो ब्याज दिया जाएगा, वो ब्याज बता दो, हमें 15वें दिन का पेमेंट बता दो। वादा ये है कि अगर 15 दिन में नहीं आया पेमेंट तो ब्याज भी मिलेगा, मिल को देना पड़ेगा। और जब उसने कहा अगले दिन उसका भाषण ही आना बंद हो लिया, रेडियो पे टीवी पे ऐसा दबा दिया वो घोर ने। तो एक दिलचस्प बात यह है कि आज जो है वो किसान दिवस भी मनाया जा रहा है यहाँ पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मुझे बताया गया कि भाजपा के खुद के लोग भी यहाँ किसान दिवस मना रहे हैं, जो चौधरी चरण सिंह जो यहाँ के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे और प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, उनका जन्म दिवस है जिसको किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आप कैसे याद करते हैं चौधरी चरण सिंह को? दिल तक हो जी याद है, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, जैन चौधरी जिंदाबाद। आप बताइए कि उनके दौर में आपको क्या चीज याद आती है? उन्होंने जो भी काम करे अच्छे करे जी, मसीहा थे, बहुत अच्छे भगवान है वो किसान के लिए। ऐसा कोई नेता दोबारा निकल सकता है? बस अब तो जयंत चौधरी पर उम्मीद है जी, जयंत, क्योंकि उनके लक्षण चौधरी चरण सिंह जी के लक्षण जयंत चौधरी में है, तो हम तो नहीं मानेंगे। और अब की बार किसान एकजुट होकर, एकजुट किसान है सब, सब साथ रहे। किसान की आंखों में देखिए चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, उनकी आंख में आंसू आ गया, कह रहे हैं कि मसीहा हैं हमारे दौर के। जब असली सच्चे नेता जब होते हैं तो उनको फिर जनरेशंस उनको याद रखती हैं। आप मुझे बताइए कि आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब पिछले लगातार 3 चुनाव में भाजपा को जिताया आप लोगों ने, पहले 2014 में, फिर 2017 में फिर वोट दिया, फिर 2019 में फिर वोट दिया, अब की बार क्या इरादा है? बिल्कुल ख़त्म करना, अब के बाद भाजपा कोई कैंडिडेट यहाँ से जीत के नहीं जाएगा। कोशिश यहाँ तक करेंगे, भाजपा का कैंडिडेट भी गांव में घुसने नहीं देंगे, मतलब कानून वापस होने के बाद भी। हाँ, तुम एक बात बताओ, कानून तो वापसी हो गए, पैसा हमारा टाइम पे नहीं मिलता, महंगाई इतनी बढ़ा दी, कमर तोड़ दी, बिल्कुल करें क्या है इस भाषा, वो स्टेज पर जहाँ मीटिंग करें, 98% पेमिट करा दिया, 99% पेमिट करा दिया, झूठ पे झूठ बोला, झूठ की राजनीति है। बताओ 240 करोड़ मारे का रह रहा कहाँ हो गया, जो पहली साल का रह रहा इतना तो। बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं? हाँ, बच्चे स्कूल में जाते हैं। उनकी फीस वगैरह का कैसे हो रहा है? मजदूरी करें, बाकी अध्ययन स्कूल में था, बालकों को मास्टर खरीद दें, टाइम पर नहीं पहुँचती। हाँ,
बहू बेटी है घर में, बेटी है जवान बच्ची, पैसा नहीं है तो शादी कहाँ तक करें। शादी तो ना बढ़ाई दी 21 साल कर दी, जरूरत ना ब्याह करने की। अच्छा हो गया अब तो? नहीं अच्छा कहाँ हो गया, अच्छा हो गया मतलब लड़कियाँ टाइम पे बुढ़े करके शादी करे उसकी, इतना कहाँ जाएगी लड़की, इतना जो लड़की पढ़ती नहीं है तो 21 साल तक कहाँ रहेगी, वह क्या करेगी वह, ये बताओ आप। पैदा हो गया हाँ, आप ही कह रहे हैं कि स्कूल में देने के लिए फीस नहीं है, फिर शादी भी नहीं हो पा रही है। हाँ रोजगार के लिए, रोजगार की बात नहीं करते वे, ऐसी बात करेंगे जिसका कोई उचित ही नहीं है। अरे कई कई साल से लड़के बेरोजगार फिर हमारे युवा, ये सब बेकार है। तो मतलब किसानों के बच्चे किसान ही बन रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, मिल रही और किसानी भी नहीं हो पा रही है, किसानी भी नहीं हो पा रही। पुलिस फोर्स की मिली थी 4 साल होली कोई भर्ती नहीं, काज जी नहीं। हाँ सरकारी नौकरी जैसे रेलवेज में हो सकती थी या बाकी और जगह पे हो सकती, वो भी बिक रहा है। ये तो सब प्राइवेट करने लग रहे हैं, नौकरी तो इन्होंने खत्म वैसे ही कर दी, इन्हें जरूरत नहीं है ना नौकरी करवाने की, ये तो पब्लिक का दुश्मन है, सरकार या सरकार भाजपा सरकार आम जनता की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है, ये चाहती नहीं है, ये तो भूखे चाहती है, पब्लिक भूखी मरे, पूंजीपति राज करें और पब्लिक आम पब्लिक भूखी मरे, इनका सूर्य यही देश है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मैंने यहाँ पर आप यकीन जानिए कि कोई एक ऐसे समूह से बात नहीं की जो एक पार्टी के सपोर्टर थे, यहाँ जो आम तौर पे जो किसान आए हुए हैं जो अपना गन्ना यहाँ छोड़कर मिल में जाएंगे, कहीं से आपने देखा कि वो खेतों से सीधे यहाँ पर आ गए हैं गन्ना लाद के अपने ट्रकों में, तो जो एक एक सेंटिमेंट नज़र आ रहा है वो काफ़ी हद तक जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा उसके खिलाफ नज़र आ रहा है। अब वो अलग बात है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि अलग तरह का सेंटिमेंट हो, लेकिन कम से कम बागपत तो इसके अलावा ये बड़ौत जो इलाका है इस सब में काफ़ी हद तक गन्ना किसान जो हैं वो कृषि कानूनों के वापस होने के बावजूद भी एक दर्जन उन्होंने समस्याएं गिना दी हैं जिनकी वजह से जीना मुश्किल है, मरना मुहाल है, अपनी ज़िंदगी काटनी मुश्किल हो रही है, और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी की सरकार, दूसरी पार्टी को मौका देंगे अब की बार 2022 के चुनाव में। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।